गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल वेट तनु। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक फॉर द टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सो इसकी बहुत सारी वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार की वैकेंसी है, उसमें भी आपने आई होप फॉर्म फिल किया होगा। EMRS की आपकी TJT की वैकेंसी आ चुकी है, उसका फॉर्म निकल चुका है। अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया तो उसको भी आप फिल करेंगे, कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी चंडीगढ़ वाली भी PRT की जो वैकेंसी थी वो भी आ चुकी थी, PRT वाली, ठीक है। सो ये सारी वैकेंसीज आपकी लगातार आ रही हैं। अभी क्या है, झारखंड वाली भी आपने देखा होगा, बट उसमें अभी आपका JTET मांगा था, अभी उसमें चेंजेस अगर होते हैं तो आप उसको भी फिल कर पाओगे। अगर जिन्होंने JTET क्वालिफाई किया है वो उसको फिल कर सकते हैं। लगभग इसमें भी 26,000 वैकेंसीज है, इसमें 293 वैकेंसीज है, इसमें भी आपकी लगभग 5,000 से 6,000 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग मतलब सब्जेक्ट वाइज है, तो वो डिपेंड करेगा। इसमें PRT की मैं अगर बात करूं तो लगभग 80,000 वैकेंसीज है। तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी चल रही हैं, इधर बीच वैकेंसीज तो आ रही हैं, बट हम फोकस्ड चीज पे करेंगे कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, लैंग्वेज हर एक एग्जाम में आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ एग्जाम को अगर मैं हटा दूं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा है, बट ओवरऑल पूछा है। और सब्जेक्ट कंसर्न जिसे हम कहते हैं, जैसे कि TJT पोस्ट के लिए दे रहे हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे आप साइंस के हैं, साइंस बैकग्राउंड से अगर आपको फिल करना है तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आना चाहिए। मैथमेटिक्स के हैं तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स आना चाहिए। सो ये कॉम्बिनेशन कुछ मांगा गया, आप उसको चेक आउट करके सब्जेक्ट कंसर्न पे फोकस करिए, क्योंकि EMRS पे देखा जाए तो ये 80 नंबर का है, इंक्लूडिंग पेडागोजी एंड NEP, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 10 नंबर का है। अब मान लीजिए DSSB की वैकेंसी अगर आती है यहाँ पे, तो DSSB में 100 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब कि ये पूछा जाएगा पेडागॉजी वगैरह। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इस पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। इसके बाद लैंग्वेज पे भी आपको 10+10 तो चलना ही सब पे चलेगा, ठीक है। किसी किसी में आपका और भी ज्यादा लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद हम बात करें GK GS की, तो GK GS भी आपका बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको भी आपको फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि ये भी अब बिहार में इसका वेटेज ज्यादा है। वेटेज पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या चीजें हैं, बट बिहार में इसका ज्यादा है। EMRS में यहाँ पे 10 या 20 नंबर का ही है आपका GK GS, उतना नहीं है। सो मेन जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी इंग्लिश हो गई, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी भी आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश चूज कर सकते हो, कन्नड़ा चूज कर सकते हो, उर्दू चूज कर सकते हो। EMRS की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट कंसर्न तो आपका थोड़ा स्ट्रांग अच्छे से होना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा वेटेज है इसका। टीचिंग एप्टीट्यूड DSSS में तो बहुत ज्यादा वेटेज है, बट अगर हम बात करें इन सारे एग्जाम की तो यहाँ पे 10 नंबर की या 20 नंबर के ही होगा। GK GS में भी लगभग यही रहने वाला है, बट बिहार में बहुत ज्यादा इसका वेटेज है, लगभग 120 नंबर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे आपकी, तो पहले तो आप बिहार में लैंग्वेज क्वालिफाई करोगे तभी ये दे पाओगे, तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस चीज के लिए। तो इन सारी चीजों की आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि सब्जेक्ट कंसर्न, अगर जिनका साइंस है सब्जेक्ट कंसर्न तो वो वीडियोज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बायोलॉजी है और यहाँ पे आपके केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हो गया एंड फिजिक्स हो गया, तो इतने सब्जेक्ट पे हम मेनली फोकस करने वाले हैं। हर एक दिन मैं आपको हो सकेगा तो प्रोवाइड करूंगी वीडियोस, और मैं एक न्यू चैनल पे डालूंगी ये वाली वीडियोस, तो आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मेनली आपकी EMRS से ही रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि ये वाला जो आपका रहने वाला है ये ग्रेजुएशन लेवल तक का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कुछ आसान तो ऐसा नहीं रहने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल तक होगा। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसको मैं आपको एक इजी नोट्स के थ्रू पढ़ा दूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक दो बुक्स भी है मेरे पास या कुछ नोट्स है मेरे पास, बट वो रफली नोट्स है, बट उसको जरूर मैं शेयर करूंगी, उसी तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। लैंग्वेज तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लैंग्वेज का कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं रहती, बट इंग्लिश का थोड़ा सा रहता है कि इंग्लिश आप कैसे करोगे। सो होपली मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगी हर रोज जितना हो सकेगा,
आप उसको सपोर्ट भी करिएगा। एंड इतनी ही चीजें हैं, इतना ही चीजें आपको पढ़ना है, लगभग आपको 3 मंथ्स देने हैं इस चीजों में, इन चीजों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट बिहार के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो बिहार में जीके जीएस फोकस करिए आप। यहाँ पे जनरल नॉलेज ल्यूसेंट जितना हो सके आप पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि मैं अपना भी खुद का बताऊं, नहीं पढ़ने होती है वो, बहुत लोग की ये दिक्कत है। बट बहुत लोग, अगर टाइम है आपके पास तो अच्छे से उसको पढ़िए, अदरवाइज आप वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने में, देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप उसको देख सकते हो, वेल एंड गुड रहता है। ऐसा नहीं है कि उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ रह गई है, जो कि है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स भी आपका बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका भी प्रैक्टिस आपको डेली करना है। किसी एग्जाम में ज्यादा वेटेज है, किसी एग्जाम में कम वेटेज है, तो अप्रॉक्स हम 20 मार्क्स मान के चलते हैं कि ये सब एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है तो ओके, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, तो इतने सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। EMRS पे भी हम फोकस करेंगे, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है आपका। सबसे पहले आपको NCERT से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 9th-10th की NCERT उठा लीजिए, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है, 12th तक ही पढ़ी है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे EMRS के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगस्त तक फॉर्म भरने होंगे, इसके बाद 1-2 महीने में आपका एग्जाम का डेट मेरे हिसाब से दे दिया जाएगा, ओके। सो इतना ही आपका टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन 2023। इतनी सारी वैकेंसीज है, नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मिलने वाली है इतनी सारी वैकेंसीज, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मिनिमम चल ही रही है, और KVS का भी आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं, तो इस पे आप लोग अभी फोकस करिए, ओके। सो थैंक यू फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट गिव थम्स अप, बाय।